नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद रविवार को पंजाब के नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम होंगे। आज चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। इसी के साथ कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर चरणजीत सिंह चन्नी कौन है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह लेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को गांधी परिवार का करीबी माना जाता रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी भारत के पंजाब राज्य की चमकौर साहिब सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी के चरणजीत सिंह को करीब 12,000 वोटों के अंतर से हराया था। इससे पहले 2012 के चुनावों में उन्होंने करीब 3600 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। चरणजीत सिंह चन्नी युवा कांग्रेस से भी जुड़े रहे और इस दौरान वो राहुल गांधी के करीब आए थे। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस में मुखर नेता रहे हैं। वो पंजाब में एक अहम दलित सिख चेहरा माने जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा दलित सिख पंजाब में ही हैं। इनकी संख्या लगभग 32% है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक दलित सिख चेहरा होना उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में रहा। पहले कहा जा रहा था कि एक डिप्टी सीएम दलित समुदाय से हो सकते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के रूप में बतौर दलित सिख चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की घोषणा की जा चुकी है। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम हैशटैग मीटू प्रकरण में भी सामने आ चुका है। आरोप था कि उन्होंने एक महिला आईएएस अधिकारी को साल 2018 में गलत मैसेज भेजा था। हालांकि महिला अधिकारी ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। पंजाब सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री रहते हुए चरणजीत सिंह चन्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें वो दफ्तर में सिक्का उछालते नजर आए। मैकेनिकल लेक्चरर्स को संस्थान अलॉट कराने से जुड़ी इस घटना के बाद विपक्षी पार्टियों ने उन्हें निशाने पर भी लिया था। आम आदमी पार्टी ने तो तत्काल सीएम अमरिंदर सिंह से उनके इस्तीफे की मांग कर दी थी। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर उनकी प्रशंसा भी की जाती है। पंजाब में नशा को लेकर और गीतों में इसे बढ़ावा दिए जाने को लेकर वो विरोध जताते रहे हैं और इस पर बैन लगाए जाने की मांग करते रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम रहते उन्होंने सरकार की कमियों को लेकर कई बार आवाज़ भी उठाई। नवजोत सिंह सिद्धू की तरह कैप्टन से इस्तीफे की मांग करने वाले विधायकों में वो शामिल रहे हैं। अब सबकी नज़र उन पर है कि विधानसभा चुनाव से पहले वो कितने दमदार सीएम साबित हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।